पंचायत समिति हनुमानगढ़ के ब्लॉक नंबर 21 से प्रत्याशी कॉमरेड शेर सिंह शाक्य को मिल रहा गांव में भरपूर समर्थन। हनुमानगढ़ पंचायत समिति हनुमानगढ़ के ब्लॉक संख्या 21 से भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के उम्मीदवार कॉमरेड शेर सिंह शाक्य के समर्थन में 2 KNJ व जोटकिया में चुनावी सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए रूपगढ़ से माकपा के पूर्व विधायक एवं किसान नेता कॉमरेड पवन दुबल ने राज्य की कांग्रेस वह केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर प्रहार किया। दुबल ने बताया कि केंद्र की भाजपा सरकार ने कोरोना की आड़ में देश की सार्वजनिक संपत्तियों को अपने चंद मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए लगातार निजीकरण कर रही है और अब खेती किसानी को उजाड़ने वाले कानून लागू कर दिए हैं, जिसका पूरे हिंदुस्तान का किसान लगातार विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी हमेशा ही संघर्षों की पार्टी रही है। हमने लगातार आम जनता, किसानों व मजदूरों की मांगों को लेकर संघर्ष किया है और इसी संघर्ष की बदौलत ही हम आपसे वोट की अपील करते हैं। आज की सभा में कॉमरेड रामेश्वर जी वर्मा ने कहा कि राज्य की गहलोत सरकार द्वारा कोरोना काल में बिजली के बिलों में बेतहाशा वृद्धि की गई है, जिसको लेकर हमारी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। कि अभी जो साथी बात कर रहे थे, दिल्ली में किसानों पे भारतीय जनता पार्टी लाठियां चलवाए और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता से वोट मांगे, क्या वो जनता पर लाठियां बरसाने के, किसानों पर लाठियां बरसाने के वोट मांग रही है? ये हमें देखना पड़ेगा। चुनाव आते हैं, चुनाव चले जाते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है हमें कि आपकी सड़कों पर संघर्षों में रहने वाले लोग कौन है। हम अपने आंदोलन, हमारे संघर्ष जो हम सड़कों पर रहे हैं, उसकी बदौलत जनता के बीच में वोट की अपील करने आए हैं। कुछ लोग छलावा कर रहे हैं, जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये लाल झंडे के लोग, ये हमारे बैनर के ऊपर सोपर सिंह जी का फोटो यूं ही नहीं लगा। सोपर सिंह जी ने आखिरी दम तक इस लाल झंडे को नहीं छोड़ा और आज कुछ लोग सोपर सिंह जी का फोटो लगा कर ये सोचते हैं कि जनता को गुमराह करके वोट ले लेंगे। ये संभव नहीं है। ये आपको सोचना है कि सोपर सिंह जी की असली वारिस कौन है। वो जमीन और जायदाद के वारिस हो सकते हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक वारिस इस लाल झंडे के सिपाही है। हम ये बड़ी पंचायत में सीना ठोक के कह रहे हैं। देखिए, पूरे देश की आज हालात है वो आप लोगों से छुपी हुई नहीं है और आपके माध्यम से भी आपके चैनल के तमाम श्रोताओं को और देखने वालों तक हम यही संदेश दे रहे हैं कि पूरा किसान हिंदुस्तान का, जिसमें हरियाणा, पंजाब और हम लोगों राजस्थान का किसान, आज दिल्ली में मोदी सरकार के लिए हुए किसान विरोधी फैसले को लेके चारों तरफ से दिल्ली को घेर के बैठे हुए हैं। और उसी दौरान आज पंचायती राज चुनाव चूंकि हमारे यहाँ चल रहे हैं, हमारे तमाम साथी है वो वहाँ पहुँच चुके हैं। हम इस चुनाव के अंदर जनता के बीच उन्हीं मुद्दों को लेके जा रहे हैं जो मुद्दे को लेकर दिल्ली के लोग, दिल्ली के चारों तरफ से हमारा किसान और मजदूर और नौजवानों ने दिल्ली को घेर रखा है।